Assalamualaikum and hello everybody and welcome to my show called Lifestyle with Komal. मैं इस प्लेटफॉर्म को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इस पावरफुल टूल को यूज करना चाहती हूँ टू डिस्कस टॉपिक्स दैट कुछ लोग में भी समझते हैं कि इतना बोल्डली और इतना पब्लिकली इनके बारे में बात नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल या वेपन है वो है इंफॉर्मेशन. और आपकी ज़िंदगी में एम्पावरमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स और ऐसी बहुत सारी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मैं हाजिर हूँ. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, स्टे ट्यून्ड. The very gorgeous, the beautiful, the talented Sana Fakhar. कैसी हैं आप? दूर से कोविड. Yeah. Let's do this. This is a new crash course. This is the new आजकल एक नया एक तरीका बन गया है हेलो हाय करने का. कैसी हो सना? ठीक ठाक. Good to see you. Looking gorgeous. Thank you. As always. So you. अच्छा सना, आज हम लोग बिल्कुल भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे जो आप करोड़ों दफ़ा हर इंटरव्यू पे बात कर चुकी हैं. आज मैं बहुत ही एक ऐसा बॉडी शेमिंग इज द टॉपिक एंड आई हैव गॉन थ्रू इट. मुझे पूरी ज़िंदगी लोगों ने किया कि वो हेल्दी है, वो चबी है, वो यू नो चीक्स इसके कितने क्यूट हैं. और हद तक कि मेरी अपनी अम्मी ने और मेरे अपने अब्बू ने मुझसे कहा कि ये मत खाओ, मोटी हो जाओगी. एवरीबडी इज सो वरीड अबाउट मोटी हो जाओगी. एवरीवन एंड आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू. आप तो आपने तो फिल्म ही नेवर फेस काइंड ऑफ थिंग लाइक या सब हर लड़की, बल्कि आजकल तो हर लड़का भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुका है. क्या आप समझती हैं कि बॉडी शेमिंग होनी चाहिए या नहीं? थैंक यू कोमल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इनलाइटन दिस इतना एक अमेजिंग टॉपिक जिसपे लोग कहते तो हैं मगर बात करना पसंद नहीं करते और उसकी डिटेल में नहीं जाते. उसकी रीज़न ये है कि बॉडी शेमिंग बेसिकली हमारे घरों से शुरू होती है. बिल्कुल. The brother we have, the like you know, the upbringing we all mostly have. जी पाकिस्तानी जो कल्चर है हमारा, जो हम लोग जिस तरह से जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपके घर में लकीली नहीं है तो यू माइट हैव सीन आपके नेबर में या कहीं कम अक्रॉस आपने देखा होगा. और बच्चों के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क होता है जिनके घर में जो है उनको हमेशा बोला जाता है कि भाई तुम खूबसूरत हो, जैसी तुम हो वैसी तुम खूबसूरत हो. ऐसा जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में हम अब चेंज हो रही हैं, एडवांस एजुकेशन आ रही है, वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हाउ टू यू नो वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आप अपना पर्सनल जर्नी बताएं, आपने अपनी, क्योंकि आपकी तो इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बहुत हार्श है और बहुत सख्त है इस मामले में, आपने कैसे डील किया? आई थिंक मेरे मुताबिक तो बॉडी शेमिंग इज नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग, इट्स फ्लरिशिंग. रियली? यस. यानी अब वो इंडस्ट्री में और प्रॉब्लम होती जा रही है, नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री, आई गेस ओवरऑल शोबिज इंडस्ट्री इन फैक्ट. और अब जैसे मैंने आपको बोला है कि ये बहुत डोमेस्टिक एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर एक के साथ होता है. ये मेरी बेटी जरा मोटी है. हाँ. ये मेरी बेटी जो है जरा काली है. आप प्लीज. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइक बच्ची अगर 10 साल की है तो या 9 साल की है, स्कूल गोइंग है और लेकिन वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि ये मैं तो काली हूँ, मैं तो मोटी हूँ. वही उसका कॉन्फिडेंस खत्म. एग्जैक्टली. तो उसी के साथ उसका माइंड जो है वो ग्रो करता है उसकी एज के साथ साथ. बिल्कुल. फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो हर अच्छे पतली फिगर वाली को देख के जेलस होती है एंड देन शी स्टार्ट डूइंग बिकॉज शी इज शी स्टार्ट डूइंग यू नो द सेम थिंग टू वर्ड अदर्स. या और ये मैंने मोस्टली देखा. इनफैक्ट जो औरतें इवन एक सर्वे के मुताबिक 32% औरतों जो कि दो दे ऑलरेडी फेस बॉडी शेमिंग. बॉडी शेमिंग जिसको हम कहते हैं कि इंसल्ट ओवर योर फिगर, आपकी बॉडी के ऊपर अगर आपको कोई इंसल्ट करता है दैट कॉल्ड बॉडी शेमिंग. जो खुद फेस करके आई होती हैं
वो खुद ये सब रिपीट करती हैं, करते हैं, आई मीन लाइक ओवरऑल पीपल. लेकिन उनकी आई फील के अब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मीडिया, एज इन्फ्लुएंसर्स. अब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं. मैंने 2-3 सेलिब्रिटीज को अपने शो के लिए इस टॉपिक पे बुलवाया, वो नहीं आना चाह रही थी क्योंकि वो नहीं बात करना चाहती हैं इसमें, जबकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और वो बहुत ही स्लिम हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं. बिकॉज दे आर नॉट हील्ड. एग्जैक्टली. क्योंकि ये जो बातों का होता है ना, इट्स क्वाइट डेंजरस वेपन आई कॉल. आप किसी को मुक्का मार के जितना जख्मी नहीं कर सकते जितना आप किसी को किसी लफ्ज से, किसी अपने अल्फाज से उसको ब्रूटली इंजर्ड कर सकते हैं और वो सारी जिंदगी वो जख्म रहता है. वो जो चोट है ना, क्योंकि मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विद लाइक लॉट ऑफ फेसेस ऑफ माय वर्क, यू नो, अकॉर्डिंग टू माय वर्क एज वेल, रादर देन लाइक, जैसे कि हम, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मैं अपने घर की जो एक जो मेरी लाइफ है जो कि शो बिजनेस के अलावा है, वो भी उसके अंदर भी मैंने आई फेस्ड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई फेस्ड एंड आई हैव सीन ऑल्सो. सना, मैं आपको बताऊं, मेरे जिनसे मेरी शादी हुई हुई थी उनका कांस्टेंट पेट जुमला ही यही था कि तुम तो मोटी हो, तुम तो मोटी हो, जबकि मेरा जो वेट है वो बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल रेंज में है. मैं इतनी फिट हूँ, मैं रोज 6 किलोमीटर भागती हूँ, ओके, और लेकिन चूंकि मैं कांकड़ी नहीं हूँ, मेरी हड्डियाँ नहीं निकली हुई हैं, मैं हेल्थी हूँ. आई मीन, इजंट इट मोर इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्थी हों और आप खुश हों और आप कॉन्फिडेंट हों तो आपके चेहरे पे एक ग्लो आए. तो आप आपके पर्सनल लाइफ में आपने ये क्लियर भी करना चाहूंगी थ्रू माय एक्सपीरियंस के फिटनेस हर एक के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट लाती है. एग्जैक्टली. हर एक के लिए एक इम्पैक्ट नहीं होता. सम पीपल चेंज देयर बॉडी शेप, सम पीपल चेंज देयर लाइफस्टाइल, एंड सम पीपल एक्चुअली चेंज देयर डीएनए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीएनए मींस के आप अपने आप को मेंटली चेंज कर देते हैं. यू चेंज योर माइंड सेट, यू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड लाइफ. तो आप क्या कहती हैं कि अब इस सोसाइटी में माइंड सेट चेंज लाना इन बॉडी शेमिंग, वट कैन वी डू, वट कैन द एवरेज वुमन डू? बेसिकली ये चीज स्टार्ट आपकी जब आप ग्रो अप कर जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट नोइंग एवरीथिंग, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, ये तब नहीं होती. ये कहीं छोटा सा पौधा लगा होता है. ये आपके किसी बचपन की कोई ऐसी स्टोरी होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे या तो आप बैड बन जाते हैं या आप गुड बन जाते हैं. रादर देन टू बॉडी शेम समवन, टू बिकम द विक्टिम समवन, विक्टिमाइज योरसेल्फ, या ऑल बिकम विक्टिम, टू बिकम विक्टिम योरसेल्फ. तो ये सारी चीजें जो चेंजेस हैं, ये बहुत कहने में बहुत आसान है कि अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा फॉलो करें तो ऐसा फॉलो करें आप जाएं, बट मेरा मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज, पहली बात है, एज पीपल नो दैट आई एम लाइक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, आई एम लाइक यू नो फिटनेस पीपल इंस्पिरेशन पीपल. बहुत जगह मुझे लोग मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उनसे ये कहना है कि आई एम नॉट हेयर टू मोटिवेट टू डू एक्सरसाइज बिकॉज नाउ पीपल स्टार्ट नोइंग वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. Why it's important? It's really important. Yeah, it is. जो मैंने आपको बात कहने का मतलब ये था कि आप जब अपने बच्चों को, जिनको आपने सिर्फ स्कूल में डाल के बोला हुआ है कि स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि वो उनको सिखाएं, नहीं, आपको शुरू से उनका माइंड सेट, आपका चाहे बेटा है उसको ये बताएं कि एवरी वन इज डिफरेंट एंड उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसका जो खूबसूरती है, उसका डिफरेंशिएशन है, उसकी अलगपन है, उसकी खूबसूरती है. Absolutely. तो ये चीज सिखाना बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में. बहुत. सो बेसिकली इन अ नटशेल, सना जो कह रही हैं, इनकी बात से मैं एटलीस्ट, और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, और ये एक डिस्कशन है जो कि हेल्दी डिस्कशन है. आई कंप्लीटली अग्री विद सना कि माइंड सेट ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट होम, स्टार्ट्स इन द स्कूल. यानी आप अपनी बच्चियों को, आप अपने बेटों को बॉडी शेमिंग के बारे में आगाह करें, और आप स्कूल में भी इस चीज को एक टॉपिक की तरह डिस्कस करें इन अ हेल्दी वे. हर चीज मैथ और इंग्लिश से शुरू और खत्म नहीं. देखिए, जहां हम इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, सिर्फ बॉडी शेमिंग क्या हमारी शो बिजनेस में है? ये हर जगह है, ठीक है, ठीक है? आप बाकी सब छोड़े, हम कितना प्रमोट करते हैं बॉडी शेमिंग को, जबकि हम लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के इस चैनल पे. लेकिन हर एड तो बनता है कि मैं पहले मोटा था, फिर मैं खोता था. पहले मैं मोटा था, अब मैं खोता हूँ.
इट्स रियली रियली रिडिकुलस. अच्छा, इसी लाइट हार्टेड हंसी पे हम लोग अपना जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और इसके बाद मैं इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी एंड वेरी वेरी पॉपुलर वेरी वेरी टैलेंटेड डिजाइनर बुलाने जा रही हूँ जो हमारे और सना के साथ बैठेंगी. डोंट गो अवे, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक. We actually see जैसे रनवे वगैरह के लिए हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वट एवर कट्स वी आर मेकिंग वो प्लस साइजेस में बेसिकली इतना एनहांस नहीं होते. क्यों आप कहना चाह रही हैं बेसिकली कि प्लस साइज पे अच्छे नहीं लगते? नहीं नहीं, अच्छे लगते हैं एंड वी डू मेक इट. जो हमारे सैम्पल्स होते हैं उसी में से ऑर्डर आते हैं. नॉर्मल पीपल कम इन, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, प्लस साइजेस वेमेन ऑल्सो कम इन. जैसे आपने कभी ऐसी डिजाइनर्स के साथ आपका इतफाक हुआ है जो मेड यू फील लाइक यू आर नॉट थिन एनफ? Many times over. I mean, like, I face this a lot. And then, you know what? I always... मुझे होता था कि कोई एक ऐसा मिल जाए मेरे जैसा, तो मैं उससे पूछूं, is it normal? Welcome back. हमारे साथ अब एक ऐसी फैशन सेलिब्रिटी डिजाइनर जो है वो बैठी हुई है, जो कि उन्होंने सालों से अपना नाम बनाया हुआ है एंड शी इज सुपर टैलेंटेड. और मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी परफॉर्म कर रही होती हूँ, पहला कॉल जो है वो मैं इनको करती हूँ, क्योंकि इनका जो है वो स्टाइल में मैं बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ इनके स्टाइल से. इन्होंने किए हैं ब्राइडल शोज, इनका फोर्टे बल्कि ब्राइडल्स है, एंड शी इज डन ड्रामाज एंड शी इज डन मैगजीन कवर्स एंड शीज just amazing. Guys, please welcome my darling, my friend Tabassum Mughal. Thank you for having me here. Oh, it is absolutely my pleasure. Tabassum, aaj hum discuss kar rahe hain body shaming, aur main zara aggressive sa ek sawal puchne ja rahi hu. Mujhe please batao ki ye kya problem hai Pakistani designers ki yaar, kyun sare sample size zero hote hain, kyun sari models aisa lag raha hota hai ki bhai 6 din se bhai koi unko kuch khila de. Why can't people be normal and have normal shows and normal clothes? Actually the thing is that firstly of course jab you know internationally bhi if you see size 0 se size 2 hi banate hain, but what we actually see jaise runway wagera ke liye hamare zyada important hote hain because whatever cuts we are making wo plus sizes mein basically itna enhanced nahi hote. Kyun aap kehna cha rahi hain basically ke plus size pe acche nahi lagte? Nahi nahi, acche lagte hain and we do make it. Jo hamare samples hote hain usi mein se orders aate hain. Normal people come in, I mean to be honest, plus sizes women also come in. And we are there to customize it for them according to their body size. नहीं, अब जैसे मैं skinny नहीं हूँ कहीं से भी, लेकिन मैं तुम्हारे स्टूडियो में आती हूँ, मुझे आराम से तुम्हारे कपड़े आ जाते हैं, तुम्हारे samples आ जाते हैं. पहले मेरे samples तो मेरे अपने साइज के होते हैं first. So I can show off my sample. Okay. Great. लेकिन क्यों? Why aren't people doing this? Why aren't you, some people, influencers like you, promoting this? Actually, I do promote this. Okay. And I feel that this is coming in, like internationally also, and also people are actually getting aware of body positivity over here. Oh, awareness are here. They are actually accepting different body types now. Okay. If you see, there are a few brands in Pakistan who have actually taken plus size models. इक्का दुक्का brand है, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी दुकान पे सारे sizes होना जरूरी है. जी जी जी. लेकिन जो उच्च कुटीर डिजाइनर्स हैं, दे लाइक, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं एक जगह गई, एक डिजाइनर के स्टूडियो पे गई, और वहाँ एक मॉडल बैठी हुई थी जो कि स्किनी थी, स्किनी, और वो डिजाइनर आई और उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, इतना वेट पुट ऑन कर लिया है. अच्छा, और मैं उसके कपड़े पहनने वाली थी, मैंने कहा अल्लाह मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर उसको ये बेचारी जिसने शायद 6 दिन से खीरा खाया है, अगर इसने इसको बोटी लग रही, लाइक इट्स रिडिकुलस. आई थिंक इट्स रियली रियली रिडिकुलस बिकॉज व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू बी, जैसे सना ने कहा कि आपको हेल्थी होना चाहिए और आपको अंदर से खुश और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हेल्दी वो आपके घर से मिलता है. And we make clothes for joy, for खुशी के लिए लोग कपड़े पहनते हैं, ये नहीं कि पहन के डिप्रेशन में आ गए. जैसे ब्राइड्स आती हैं, लिटरली दे आर सो प्रेशराइज्ड, मैं आपको नहीं बता सकती, स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग थ्रू ऑल द मैगजीन्स, और अपना ड्रीम ड्रेस देख रही होती है, व्हेन दे गो देयर एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अदर पीपल, आई मीन आई कैन एक्चुअली सी हाउ मच प्रेशर देयर इज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, और लिटरली व्हेन दे कम इन फॉर द ब्राइडल ड्रेसेस द होल खानदान इज कमिंग विद देम, और वो खानदान लग रही हो, वेट कम करो, शादी होने वाली है, छोटी लग रही हो, ये हो
रहा है, आई मीन जो उस लड़की को पहनना है उसकी तो वो साइड हो जाता है टू बी ऑनेस्ट. तो यानी दुल्हन जो है वो अपने शादी के दिन जो है वो ऐड करना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जो खराब किया है वो फिल्टर्स ने भी किया है. मैं तो बहुत अच्छी थी, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, इस डिजाइनर की ड्रेस भी अच्छी लग रही. अरे यार, because you actually most of the time you taking picture in filters. I know. अच्छा, filters के मैं भी guilty हूँ by the way. I don't know why. I just really like my skin. My skin filters. उसकी reason है, यही आपका idea, यही आपका topic है to make like. एक कॉन्सेप्ट बताना कि अपने साथ यू नो स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल विद योर स्किन विद योर सेल्फ, तो तभी सही है रादर देन टू फॉलो एंड चेजिंग द रॉन्ग ब्यूटी स्टैंडर्ड. या एंड आई रियली थिंक दैट अब जैसे आपने कभी ऐसी डिजाइनर्स के साथ आपका इत्तेफाक हुआ है जो मेड यू फील लाइक यू आर नॉट थिन एनफ? मेनी टाइम्स ओवर आई फील लाइक आई फेस दिस अ लॉट एंड देन यू नो व्हाट आई ऑलवेज मुझे होता था कि कोई एक ऐसा मिल जाए मेरे जैसा तो मैं उससे पूछूं इज दिट नॉर्मल इज दिस नॉर्मल. तो फिर क्या हुआ कि मैंने क्या किया, देन इवेंचुअली आई बिकम वन फॉर टू हेल्प वन दैट यू नो आई वुड डेफिनेटली शेयर माय एक्सपीरियंस, आई वुड डेफिनेटली यू नो स्पीक अप कि यार It's okay. Be like this. Yeah. If you're a little short, if you're a little tall, if you're a little thin, if you're a little dark. You know, bubbly, so it's fine. अच्छा, bubbly इसी बोलूंगी कि जो मोटी नहीं होती उनको मोटा बोला. अच्छा, इस पे मैं एक जुमला बोलना ऐड करना चाहती हूँ कि लड़की हेल्थी है. अच्छा, पता है हेल्थी का लोगों को क्या मतलब नहीं पता. हेल्थी का मतलब है इट्स अ गुड थिंग कि आप हेल्थी है, मतलब यू लेकिन थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी हेल्दी है. अरे नहीं भाई, दैट इज द रॉन्ग यूज ऑफ द वर्ड. मैंने इसलिए आपको अच्छे लफ्ज में बोला कि जैसे यू नो यू सेड आई ऑलवेज बीन वेरी फाइन और एक नॉर्मल शेप थी, लेकिन आई ऑलवेज गेट द कमेंट्स लाइक के तुम मोटी हो, तुम बबली थी, एक चप्पे रख के एक लगा. लेकिन यू नो आप उसको ये बोल सकते ना यू चबी बबली इट्स फाइन, बट व्हेन यू ना आप एक हार्श किस्म के लव्ज इस्तेमाल करेंगे दैट मेक यू फील बैड. अब द रीजन आई लव गोइंग टू तबस्सुम, जब भी मैं कहीं भी मेरा दुनिया में कोने में शो होता है, मैं इसके कपड़े इसलिए पहनती हूँ क्योंकि जब मैं इसके कपड़े पहनती हूँ तो ये सिर्फ जो सच है ना वो बोलती है कि भाई इसको यहाँ से ठीक करूं, वो कपड़े को मेरे बॉडी के हिसाब से, क्योंकि इसको कट्स का पता है. सो व्हाट यू डू इज यू मेक श्योर दैट I don't have to feel bad for my body. The kapda changes to flatter my body. Komal, right? This is what we are here for. Yes. Actually, to dress up these kind of body shapes, you need expertise for it. It's actually a challenge for us. Yeah. And a person needs an expertise to basically, you know, cater anyone you. Who's not or size anybody, zero. Anybody's body type, ek woman ki normal standard body size ke liye bhi ek expertise chahiye, kyunki jo most of the designers they don't want to do that. They don't want to actually. Matlab uske liye padhna padta hai. Usko bas ye hota hai ki ek patli ladki aa jaye, usko bas kapde pehna de and khatam. I love challenges. Chahe bride kaisi bhi, I mean to be honest, bride aati hai. फिर यू नो उसकी जो भी whoever comes with her, वो ये तो 3 inches और लूज कर लेगी और ये तो 4 inches और लूज कर लेगी, वो बेचारी जो है वो डाइट कर करके अपना ग्लो ही खत्म कर ले. तो जब मैं शो पे जाती हूँ तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करती हूँ क्योंकि जो मेरी जो स्टाइलिस्ट है, जो मेरी डिजाइनर है, उसने मुझे वो बूस्ट दी है. अगर मुझसे तबस्सुम ये कहती कि सुनो कोमल, यहाँ से ना यार 2 हफ्ते है ना शो में, थोड़ा सा और वेट कर, तुम सोचो जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो मैं कैसा फील करूंगी. कोमल, यू नो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, थ्रू दिस जर्नी आई वुड से, मैंने जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते देखा अपनी बॉडी को, उस तरह मैंने बहुत सारे लोगों की रियलिटी को जांचा और मैंने बहुत सारे लोग यू नो एक्सपोज्ड हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी इनर फीलिंग मुझसे शेयर की. आप मैं जिस फील्ड में है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस औरत की है जो घर में बैठी टीवी देख, उसका एक्सेस सिर्फ टीवी है टू फाइंड लाइक न्यू थिंग्स. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू द रियलिटी एंड ट्रुथ. तो मैं ये कह रही हूँ उनके लिए जितना मुश्किल है, हमारे लिए शायद उतना मुश्किल नहीं हो, बिकॉज वी आर एम्पावर्ड वुमेन. हाँ, आप एक सब्सटेंशियल हैं, आप एक यू नो यू आर स्ट्रांग वुमन इनफ टू फेस दिस, टू डील लाइक पुट आउट विद ऑल दिस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स. मगर वो औरत के पास ये माइंडसेट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट वॉइस नहीं है. तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, ऐसी लड़की औरत को क्या करना चाहिए?
आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आजकल बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है एंड एवरीबडी कैन अडॉप्ट दैट लाइफ स्टाइल. हाउ आई फील, हाउ जरूरी है खाने में, चलने में, आई मीन किताबों के जरिए. अगर कोई बंदा एक अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं, रादर देन टेकिंग द लिफ्ट यू शुड गो वॉकिंग अप. इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर ओन सेल्फ. मैं नहीं कहती बदला होने के लिए, हेल्दी टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी फॉर योर बॉडी टू एक्चुअली मूव और उसको पॉस्चर सही करने के लिए. हाँ देखो, एंड व्हेन यू आर सिटिंग यू शुड, आई मीन आई टेल माय ब्राइड, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा द डे यू आर सिटिंग ऑन, मेक श्योर यू टेक दिस लिटिल, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द सोफास आर रियली धसावा, दैट वाज दैट्स द वर्ड. आई यूजुअली टेल देम टेक दिस लिटिल कुशन एंड पुट इट अंडर योर दिस थिंग एंड देन सिट. या यू नो, बिकॉज़ दिस के पॉइंट से मैं एग्री करूंगी, टू बी ऑनेस्ट मैं हर चीज बताती हूँ किस तरह वॉक करना है, किस तरह क्या करना है, बिकॉज you know to be honest har kisi ko they want to look the best on their big day. Yeah, yeah. And for me also it's a big thing if a bride is happy, they've ordered something. Ye little cheeze bahut, so you know there's a fine line between I don't try to put down the confidence or shatter them. Yeah, but these little points actually bring them up. Yeah, yeah, 100%. So like both of you are saying, there is a fine line. Ek bahut patli si boundary hai between body shaming somebody and explaining to somebody what is healthy and what is fit. True. क्योंकि आप जितना healthy रहेंगे उतने ही ज्यादा आपकी end तक जिंदगी जो है वो चलते फिरते गुजरेगी. So being healthy, being fit, standing properly which is good for your back, or walking with confidence and looking your best on the day of your wedding, ये सब चीजें जो हैं ये healthy हैं. But then where does it cross over? That is the question. And to talk more on this, we're going to take a short break and then I'm going to call somebody जिसने खास फिटनेस, एक्सरसाइज और इसी तरह बहुत सारी फैंटास्टिक चीजों में मेरे भाई को, मुझे और आई थिंक सना के साथ भी काम किया हुआ है. ही इज अ रियल क्यूटी एंड टू फाइंड आउट हु ही इज, स्टे ट्यून्ड, वी आर गोना बी राइट बैक. BMI टेस्ट में आपको अपने बॉडी का स्केड्यूल पता चलता है कि आपके इस वक्त फैट की परसेंटेज क्या है, आपके इस वक्त मसल मास कितना है, आपका बॉडी वाटर कितना है, कि बहुत सारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. तो अगर हम वेट मशीन पे जब अपना वेट चेक करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ अपना पूरा बॉडी वेट दिख रहा है, बट देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन आपका फैट कितना है, आपका मसल मास कितना है. मैं टेस्ट करा चुकी हूं बेसिकली, ये इन्हीं लोगों की ऐसी बातों की वजह से लोगों को पागल किया हुआ है इन्होंने. हेलो एंड वेलकम बैक. और अब हमारे शो में ज्वाइन किया है एक ऐसे इंसान ने जिसने बड़े बड़ों को ट्रेन किया हुआ है, जिसने काफी हेल्थ पे, फिटनेस पे अपनी जर्नी जो है वो एक्सपर्टीज में वो लेके आए हैं. फैसल कुरैशी को उन्होंने ट्रेन किया है, फहद मुस्तफ़ा को उन्होंने ट्रेन किया है, बल्कि हमारे साथ जो सना फकर बैठी हैं उनको भी ट्रेन किया है, और मैंने भाई हसन रिजवी उनको भी ट्रेन किया है. उनकी जिम का नाम है ग्रेविटी फिटनेस. प्लीज वेलकम दी अमेजिंग द क्यूटी रिजवान. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? आई एम टू गुड. यू आर टू गुड, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट. ओके, हम लोग वैसे एक काफी गंभीर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट इज बॉडी शेमिंग. एंड आप तो खैर परफेक्ट हैं लेकिन आपके पास कितने लोग आते होंगे जिम जो कि काफी हेल्दी होते होंगे, बट उनको पता नहीं क्यों ये महसूस हो रहा होता होगा कि दे आर अगली और दे आर फैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेनर्स जो हैं वो उनको किस तरह मेंटली ट्रेन करते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली, दैट दे आर ओके, दे जस्ट नीड टू बी फिट. यस सर, एग्जैक्टली. बहुत दफ़ा ऐसा, ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में तकरीबन 12-13 साल हो गए, और बहुत दफ़ा ऐसे लोग आते हैं जो कि आपसे बात करते हैं, इवन के कुछ लोग बात करते हुए भी वो कह रहे होते हैं कि हम पूरी तरह बता नहीं सकते, अशेम फील कर रहे होते हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा जो मोस्टली जो है वो वुमेन्स होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो है कि यही होता है कि हमें बॉडी शेमिंग की वजह से बहुत इशूज़ फेस करने पड़ते हैं. तो उसमें आप बॉडी शेमिंग में इट डजंट मैटर कि कसम आपको कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसमें एक बॉडी शेमिंग हो गई है. कोई अगर बहुत ज़्यादा मोटा है और कोई बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, उसके ऊपर भी बॉडी शेमिंग करते हैं. तो दैट बॉडी शेमिंग इज बेसिकली अ वर्ड कि जिसमें आप कुछ लोग कुछ हद तक आपको शायद मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वो ये वाली बात है कि लाइक सपोज अगर आपको साथ कोई बात कर रहा है तो उसको अगर एज अ प्रोफेशनल या हमारे पास अगर कोई आता है तो हम उसको इस तरह नहीं है कि आप बहुत मोटे लग रहे हैं या आप बहुत, आपको ये चीज़ें चाहिए.
The only thing is the person is scope के आपको अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसको आप बहुत आराम से पहले हमारी कंसल्टेशन होती है कि आप उसको बिठाएं पहले आप उसकी सुने। एक सेकंड इधर मैं आपको जरा पॉज करूंगी। जब भी मैं कंसल्टेशन के लिए गई हूँ किसी भी ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास, उन्होंने पहली चीज मुझे देख के कही है, जबकि मैं नॉर्मल वेट रेंज में हूँ अपने फ्रेम के हिसाब से, आप अच्छा कितना वेट कम करना चाहती हैं, अच्छा आप 10 पाउंड कम करना चाहती हैं, तो उन्होंने उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि भाई यू आर फाइन, यू जस्ट नीड टू बी हेल्थियर, यू आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो फिटनेस प्रोग्राम है, आपका जो डाइट है, दैट नीड्स टू बी हेल्थियर। एंड ऐसे ट्रेनर्स के साथ मैंने किया है, मैं नाम नहीं लूंगी, जो कि लिटरली मैंने उनको देखा है, चलो मोटी, कम ऑन मोटी, यू कैन डू इट, यू वांट टू लूज दैट वेट, यू आर, यू आर फैट, यू वांट टू बी थिनर, यू वांट टू बी फिटर, लाइक उसमें वही है कि आप किसके साथ बैठते हैं उसके सारे गोल्स आप सुनते हैं, उसके बाद एक बॉडी मास इंडेक्स एक चीज है जो कि आप हमेशा एक वेट मशीन के ऊपर करते हैं। अब द पर्सन हू डोंट नो इवन के उसका बॉडी मास इंडेक्स है क्या, उसका BMI क्या है, तो जब तक आपको अपना ये सारी चीजें नहीं पता होती तो हम आपको ये नहीं बता सकते कि इस वक्त आपका जो बॉडी का जो एवरेज वेट वो इस वक्त कहाँ पे लाया कर रहा है। हर इस तरह के बहुत सारे होते हैं कि जो अगर अंडर वेट है उसका बिलो देन 20 होता है, एंड देन 20 से 25 इज एन एवरेज, और जहां पे 25 से 30 होता है वहां पे ओवरवेट स्टार्ट होता है, उसके बाद ओबेस 1, ओबेस 2, ओबेस 3 कैटेगरी। अच्छा एक सेकंड, ये सब चीजें मुझे और सना को तो समझ आ रही है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको बॉडी मास इंडेक्स, फैट परसेंटेज और हेल्थी वेट रेंज के बारे में नहीं पता है, अगर आप एक मिनट उस पे जरा धीरे धीरे समझाने के उस पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो किस तरह और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, वो थोड़ा प्लीज बताएं। देखिए नॉर्मली ज्यादातर लोग जो है वेट मशीन पर अपना वेट चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर घर में होती है, हॉस्पिटल्स में या कहीं पर भी रखी होती है। जब आप वेट मशीन पर अपना वेट चेक करते हैं तो आपका पूरा बॉडी वेट उसमें बताता है, तो इसी में एक इस तरह की मशीन होती है जो कि काफी हॉस्पिटल्स में या फिर काफी अच्छे जिम्स वगैरह में अवेलेबल होती है। वहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपना जाके एक BMI टेस्ट कराना होता है। सो दैट BMI टेस्ट में आपको अपने बॉडी का स्केड्यूल पता चलता है कि आपके इस वक्त फैट की परसेंटेज क्या है, आपके इस वक्त मसल मास कितना है, आपका बॉडी वाटर कितना है, कि बहुत सारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम वेट मशीन पे जब अपना वेट चेक करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ अपना पूरा बॉडी वेट दिख रहा है, बट देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन है आपका फैट कितना है, आपका मसल मास कितना है। जैसे कि सना, आई एम क्वाइट, मैं वेइंग मशीन पे चढ़ती हूँ तो मेरा वेट काफी आता है, लेकिन मेरे इंचेस इतने नहीं है जितना मेरा वेट है, क्योंकि मेरा मसल मास हाई है और मेरी बोन्स भी हैवी हैं। yes. और ये जो टेस्ट कह रहे हैं, मैं टेस्ट करा चुकी हूँ। बेसिकली ये इन्हीं लोगों की ऐसी बातों की वजह से लोगों को पागल किया हुआ है इन्होंने। ये क्यों लुक दी गई थी रिजवान को? ये जो ट्रेनर है ना, बिकॉज़ आई लव रिजवान नूर्स द वे, लाइक उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बट ये बातें वो कर रहे हैं जो सब ट्रेनर करते हैं। सॉरी रिजवान, जो तुम बात कर रहे हो ना, ये लोगों को, आम लोगों को नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आता। देखिए वो जो एक्सरसाइज करने वाला होता है वो तो चलो समझ जाता है, लेकिन मोस्टली लोग ना इस गंभीरता से बचने के लिए कुछ नहीं कर पाते और वो छोड़ देते हैं जिम आना। तो लाइक यू नो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई यूज्ड टू बी द विक्टिम आल्सो, एंड आई एम लाइक द वन जो मोटिवेट भी करता है, बट यू नो आई हैव लॉजिकली चीजें मैंने अब लर्न ओवर द टाइम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी को BMI का बताते हैं तो सबसे पहले तो उसके कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि पता नहीं कुछ बीमारी है कोई, यू नो दे आस्किंग फॉर, लाइक उससे घबराने के लिए वो चेक ही नहीं कराता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे आपके घर की रूटीन क्या है, आप क्या रूटीन है आपकी, आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल इंग्लिश नहीं होता, एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, आपकी घर का माहौल डिफरेंट होता है, आप लोग एक के बाद दूसरी चीज मांगे आपको जूती मिलती है, लाइक लॉट ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, आपको नहीं इजाजत कि आप वो बड़ी मुश्किल से, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि जो कंसल्टेशन का मकसद है वो यही है कि आप जब उसको बता के पूरे बताते हो, अपनी जगह पता क्यों सही है, क्योंकि मुझे पता है वो दिमाग कितना खाते हैं, वो भी आप मुझे पता है। और क्योंकि जब वेट कम नहीं होता, बचपन एंड ऑफ द डे ट्रेनर्स के ऊपर ब्लेम किया जाता है। मैं उसको कहूंगी कि चाइल्डिश क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको बहुत ही ऑफेंड कर देते हैं। एक इनको बहुत अजीब सा वो होता होगा कि भाई मेरे मसल्स तो नहीं बढ़ जाएंगे वेइंग से, वेट्स उठाते हुए मेरे मसल्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, जबकि मसल मास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका वेट लॉस, ये जो इनका काम है ना, ये तो सिर्फ हम कहते हैं ना कि फिटनेस ट्रेनर है, नहीं
इनको तो साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए बिकॉज़ ये एक ज़हन को ट्रीट कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है बहुत दफा ऐसा होता है लड़कियां अच्छी खासी पतली होती हैं मगर ज़हनी तौर पर नहीं रिजवान तुम झूठ बोल रहे हो, देखो मैं बहुत मोटी हूँ, देखो मैं ये हूँ, तो कहते नहीं नहीं आप सही हैं। अच्छा मैं दिल में चाहता कि तुम उनको पांच बर्फी और कर ले, रिजवान कहते अच्छा मैं अभी कर सकती हूँ, देखो तुमने से मुझे 10 करवाए मैं 20 कर सकती हूँ। तो रिजवान कहता है कि भाई क्योंकि टेक्निकली तो इट वाज लाइक मेंट टू डू 10 लेकिन ये अब करना चाह रहे, ठीक है तुम 15 कर लो, ठीक है। मैंने मैं तो हमेशा बल्कि वुमन एम्पावरमेंट में होता हूँ क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत खवातीन भी अच्छी है जो एक्सरसाइज अच्छी करती है और हम लोग सीधा सा एक टारगेट देते हैं कि अगर आपको वजन लूज करना है तो 1 महीने में 4 kg इज अ हेल्दी वे, आप आराम से वेट लूज कर सकते हैं। कुछ लोग 10-10, 12-12 kg के टारगेट करके आते नहीं, बट ये जुमला बोलना ही नहीं चाहिए वेट लूज, बिकॉज़ वेट लूज तो बोलना ही नहीं चाहिए, यू शुड से फैट लॉस। फैट लॉस लेकिन अब वही वाली बात होती है कि फैट की, अब हम वही बात करें वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता कि फैट लॉस क्या है, तो हम वही बोलते हैं कि अगर आप अपना वेट हेल्दी वे में लूज करेंगे तो आपका हमेशा फैट नीचे जाएगा। इसी तरह अगर आप अनहेल्दी वे में करेंगे जहां पे आप डाइट नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो उसमें आपका पूरा वेट लॉस होगा, जब पूरा वेट लॉस होगा उसमें आपका मसल लॉस, वाटर लॉस, फैट लॉस सब होगा। कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जो कि ट्रेनर और उनकी सर्टिफिकेशन, अब जैसे तुम जिस लेवल के हो यानी तुम आराम से जैसे कि इसने कहा टू बी अ गुड ट्रेनर आपने माइंडसेट भी ट्रेन करना होता है, आपने नॉलेज भी बढ़ानी होती है, थ्योरी भी करनी होती है और प्रैक्टिकल भी करना होता है घर पे भी और जिम में भी, यानी कि आप जिम पे आके आपने 10 चीजें की, घर जाके नारी खा ली और फिर जिम ट्रेनर को बोला कि सो एक ये पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। तो कोई ऐसा इदारा है जो सर्टिफाई करता है आप लोगों को? इस वक्त कराची में दूसरा हमारा फर्स्ट बैच जो है 2019 में था, दैट वाज द बिगेस्ट बैच इन कराची जो कि हमारी एक लोकल फिटनेस सर्टिफिकेशन है। अगर हम कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करने जाते हैं तो 8-10 लाख रुपए की होती है। हमने कराची में रहते हुए हमारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के थ्रू हम एक नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम लेकर आए जिसमें हम अच्छे जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं उनको मौका देते हैं, वो हमारे साथ आके पढ़ाते हैं। दैट्स ग्रेट। तो अभी हमारा रिसेंटली एक बैच हो चुका है, अब दोबारा से हम एक बैच। अच्छा जल्दी से मुझे आप वाइंड अप का टाइम हो रहा है, आप मुझे वो बताएं कि कहां इंफॉर्मेशन कौन सी वेबसाइट पे? आप मेरे इंस्टाग्राम पे हर चीज होती है, मैं पूरा दिन एक्टिव होता हूं तो आपको हर चीज वहां पे मिल जाएगी। रिजवान नूर, यस रिजवान नूर फिटनेस, आप कहीं पे गूगल पे लिखेंगे सिर्फ रिजवान तो भी मेरा नाम आएगा, कराची में बेस्ट फिटनेस लिखेंगे तो भी मेरा नाम आएगा। एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान नूर माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम द पर्सनल विटनेस बिकॉज़ आई हैव वर्कड विद, आई हैव गॉट अ चांस टू लाइक यू नो वर्क आउट टुगेदर एंड आई इंस्पायर ऑफ लाइक यू नो इसकी बहुत सारी वर्कआउट वे ऑफ वर्क जो ये अपना सिखाता है। तो आई गेस कि इस तरह के यंग लोगों की बहुत जरूरत है जो सिर्फ आपको एक स्टैटिक एक्सरसाइज ना बताएं या एक तरह की ना बताएं, देयर सम लाइक पैसे ना कमाएं बल्कि एक्चुअली केयर करें अपने क्लाइंट्स के बारे में, हर एक के हिसाब से डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। और एक और जो चीज है मैं सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो टीवी पे देखते हैं वो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको ये भी बता दूं कि मैंने अपना लॉकडाउन में एक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किया था जिस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया से मेरे पास लोग हैं, इवन फिलीपींस, कनाडा, जर्मनी, हर जगह से लोग हैं। तो व्हाई नॉट कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो खवातीन जिम्स नहीं जा सकती वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करें, जो ऑनलाइन नहीं कर सकती वो जिम आ सकती है, वो जिम आए। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन The only thing is you need to do it. Motivation. करना है मोटिवेशन। देखें आप सुन ले गाइस, इन ऑर्डर टू बी हेल्दी एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम ना आए और आप लंबा जी सकें और आप यू नो फिट जी सकें, उसके लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अब जो है वो फिटनेस एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज एंड इजी टू डू एक्सरसाइजेज जो है वो रेडिली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। I hope that you enjoyed coming here too. Thank you so much. And ab log unfortunately is pe to main ghanton baat kar sakti hu about fitness and health and body shaming, lekin unfortunately waqt khatam ho gaya hai. Milenge next time only on Lifestyle with Komal.